मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से मेरा सुबह का नमस्कार मेरे पौधों से मिलिए। और आज मेरा वीडियो बोनसाई प्लांट्स के लिए है, जो मैंने बोनसाई बनाने के लिए शुरू कर दिए हैं। उनकी स्टेप बाय स्टेप बोनसाई बनाए जाते हैं। तो हमारा एक ये पीपल का प्लांट है जो मैंने रसने में लगाया है, और ये मेरा जैस्मिन का प्लांट है जिसमें बहुत खूबसूरत से सुंदर से छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और इतनी अच्छी खुशबू होती है कि पास से गुजर जाओ तो बिल्कुल मनमोहक सी होती है। और ये हमारा समी का प्लांट जो मैंने अभी वाशबेसिन में लगाया था, उसको निकाल के मैंने तसले में लगाया है, क्योंकि हमारा ये प्लांट है वाशबेसिन में खूबसूरती से बढ़िया खूबसूरत नहीं लग रहा था। तो पौधों को खूबसूरत बनाने के लिए मुझे लुक भी देना पड़ता है। तो ये हमारे जो टब है, टब में मैंने प्लांट लगाए हैं जो हम बोनसाई बनाएंगे। और आज मेरा इसी पे वीडियो है। आज भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा आज 299 वीडियो पूरे होने के बाद में 300 वीडियो आज हमारा है, 300वां वीडियो है, जो हमारे 300 वीडियो आज हमारे पूरे हो जाएंगे। मेरे 2020 का सफ़र से मैंने शुरू किया था 2020 मई, और कुछ 6 मई समथिंग से मैंने 2020 से शुरू किए थे, अपना चैनल बनाया था, वीडियोस बनाना शुरू किए थे। और आज 22 सितंबर, आज 29 सितंबर है, सॉरी आज 29 अगस्त है, और 29 अगस्त में हमारा 300 वीडियो पूरे हुए हैं। तो आज मेरा ये बोनसाई प्लांट्स के लिए वीडियो है। देखिए कितने खूबसूरत से हमारे प्लांट हैं। और ये बोनसाई बनाने के लिए कटिंग करनी ज़रूरी होती है स्टेप बाय स्टेप। तो ये देखिए मेरा प्लांट है जो चांदनी का जो प्लांट है, गुच्छे वाली चांदनी का। तो देखिए मैंने कटिंग करनी शुरू कर दी थी, तो इसकी स्टेम कितनी मोटी है, कितनी छोटा सा हमारा प्लांट है। अब मैं इसको ये बरसात के बाद में इसको ट्रांसफ़र करूँगी छिछले प्लांट पॉट में, जैसा कि मैंने ये तस्लों में सब शिफ्ट किए हैं। और ये भी हमारा चांदनी का एक सिंगल लेयर वाइज चांदनी का है। ये देखिए कितने, ये भी इसकी स्टेप बहुत मोटी है, और इसको भी मैं तसले में शिफ्ट करूँगी। और इस टाइप के जो हमारे प्लांट होते हैं बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं कि, और ये जो हमारा पीपल का प्लांट है, मैंने देखिए तसले में छोटा सा एक प्लांट लगाया था, इसकी जो रूट्स हैं बहुत हेल्दी है, और नीचे से मोटी मोटी सी रूट जो ऊपर आके जो हमारी रूट दिखने लगती हैं, वही प्लांट खूबसूरत लगता है जो बोनसाई बनता है। और मैंने इसको इतनी बार कटिंग किया है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ रहा है प्लांट हमारा। तो इसकी पत्तियाँ आज मैं अभी थोड़ा सा सेट करूँगी। और हमारा जैस्मिन का प्लांट है, इसको भी मैंने टब में लगाया है। ये देखिए इसकी रूट्स भी ऊपर है, ऊपर रूट्स हैं कि हल्की सी मिट्टी में नीचे से लगा है, और इसमें छोटे छोटे से पौधे जमाए, क्योंकि बरसात में पौधे जमाते हैं। और मैंने भी इसको भी कटिंग करती रहती हूँ कि हमारा ये जो प्लांट है जिसकी रूट्स मोटी हो जाए और पौधा छोटा का छोटा रहे और खूबसूरत रहे। तो बोनसाई बनाने के लिए ये हमारे जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो कोई भी प्लांट को आप जब स्टेप बाय स्टेप काटते हैं, तो हमारे प्लांट वो बोनसाई के लिए बहुत ही खूबसूरत तैयार होने लगते हैं। और बरसात में डीप प्रूनिंग ना करें, और छोटे छोटे से इसे हल्की हल्की सी कटिंग करते रहें, जिससे हमारे पौधे बिल्कुल शेप में रहते हैं। जब शेप में पौधे रहते हैं तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं जो बोनसाई बनाते हैं। और मैं इनको हर समय थोड़ी थोड़ा सा काटती रहती हूँ, और जब फ्लावर छोटी पत्तियों वाले जो प्लांट हमारे होते हैं, वही बोनसाई के लिए बड़े खूबसूरत लगते हैं। लंबी लंबी पत्तियों वाले प्लांट जो होते हैं, उनकी बोनसाई थोड़ा सा कम अच्छी है, वो प्लांट जो बोनसाई के लिए कम अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे अदेनियम का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत रहता है जो बोनसाई बनाने के लिए। और ये हमारा पीपल का प्लांट है, जैसे जैस्मिन का प्लांट है, जैसे हमारे समी का प्लांट है। ये देखिए समी का प्लांट, देखिए इसके नीचे से कितनी मोटी स्टेम है, और दो केवल स्टेम इधर गई हैं। और हमारा मनोकामनी के प्लांट दो हैं जो मैं बोनसाई बना रही हूँ, और आप उसके जो हमारा बोगनविलिया के प्लांट होते हैं, वो भी बोनसाई बनाने के काम आते हैं, वो भी उनको भी बोनसाई बना सकते हैं। और 2-3 साल लग जाते हैं कोई भी पौधों को बोनसाई बनाए, तो उन स्टेप बाय स्टेप जब बनाते हैं तो बहुत, और बोनसाई बनाने की जो हमारी मिट्टी होती है, बजरी वाली मिट्टी होती है, जिससे हमारी रूट्स ऊपर रहें, और पानी इनमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पानी की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा पानी अगर हल्का मॉइस्चर रहता है तो रूट्स में, तो बजरी में जब हमारी रूट्स पड़ी होती हैं तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा बोनसाई बनने के लिए तैयार होता है प्लांट। तो इसी तरीके से मैं अपने गार्डन में कुछ नया
करती रहती हूँ, जिससे हमको बड़ा अच्छा लगता है वीडियो जब कोई मैं बनाती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और आज हमारा 300वां वीडियो है, तो मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि हमारे वीडियो 300 पूरे हो। कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और मेरे व्यूज़ चाहे जितने हो, लेकिन मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दिखाती हूँ जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं। और मुझे बस ये शौक़ है पेड़ पौधे का, तो आप लोगों को दिखाती रहती हूँ बना बना के वीडियो। तो इसी तरीके से आप, और ये जो मिट्टी है, जो मिट्टी में जो घास जमाती है वो ज़रूर हटाएं। तो मिट्टी में छोटे छोटे से इसमें देखिए कीड़े हैं, वो हमारी मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, तो मैं बिल्कुल हटाती नहीं हूँ। और बहुत सारे हमारे जो मिट्टी होती है, जो हमारे गमले की मिट्टी होती है, इनमें बहुत सारे केचुए भी दिखते हैं, उनको मैं बिल्कुल नहीं हटाती हूँ। क्योंकि जो केचुए होते हैं ना, वो हमारी खाद को बहुत बढ़िया बना देते हैं, हमारी मिट्टी को बहुत बढ़िया बना देते हैं। जो केचुए से तो हमारी जो बर्मी कंपोस्ट होती है वो बनाई जाती है, क्योंकि केचुए मिट्टी खाते हैं और उस मिट्टी को सॉफ्ट करते रहते हैं। जो सॉफ्ट मिट्टी होती है हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो हार्ड मिट्टी होती है उसमें हमारी रूट्स फैल नहीं पाती, इसलिए हमारा प्लांट जो होता है बहुत बढ़िया तरीके से नहीं चलता है। इस तरीके से हम अपने मिट्टी को हल्की हल्की सी खुरपी से गुड़ाई करते रहें, जिससे हमारी सॉफ्ट भी रहे। और बोनसाई प्लांट ये जो रूट्स हैं बाहर आपको दिख रही हैं, वो हमारी रूट्स ऐसे ही बढ़िया निकल के आती जब है बाहर, तो हमारा बोनसाई प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। और देखिए छोटा का छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भी नहीं है, ऊंचाई बिल्कुल नहीं है। देखिए कितनी कम ऊंचाई है इसमें, केवल 6-8 इंच की ऊंचाई होगी हमारे इस वाले प्लांट की। और शॉर्ट प्रूमिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूमिंग नहीं करूँगी, जिससे हमारे जब रूट्स फैली होती हैं तो इनमें बरसात में हमारे पौधे जो बोनसाई वाले प्लांट होते हैं बहुत बढ़िया चलते हैं। और इस तरीके से मैं इनको अपनी शेप दे रही हूँ, आपको दिखा दिखा के मैं वीडियो बनाती हूँ, जिससे आप भी कोई प्लांट अगर जो बोनसाई का शेप दें तो इस तरीके से कटिंग करते रहें। गोल गोल जब आपकी चारों तरफ से गुलाई आएगी तो बहुत खूबसूरत प्लांट लगेगा आपका। और मेरा छोटा इतना प्लांट है हाइट में कि मैं बैठ के ही ये वीडियो बना रही हूँ, और टब में लगा हुआ है कितना खूबसूरत सा। और जब से इसमें फ्लावर आने का समय होगा तो इसमें फ्लावर भी आने लगेंगे। और जब हमारे ये बोनसाई प्लांट जब बन के तैयार होगा और इसमें फ्लावर जब लगेंगे तो बहुत खूबसूरत सा हमारा ये प्लांट लगेगा। जितना आप पौधों को कटिंग करते हैं उतना ही पौधे आपके घने होते हैं, ये मैं हर वीडियो में अपने बताती रहती हूँ। जैसे कि आप जब कटिंग करेंगे, कटिंग करने से जितना कटिंग करेंगे वहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे ब्रांचेस निकलती रहती हैं नई, तो जब ज़्यादा ब्रांच निकलेंगी तो हमारा प्लांट ज़्यादा घना हो जाएगा। वो आपको दिख रहा होगा कि कितना घना हमारा प्लांट हो गया। छोटा सा प्लांट मैंने लगाया था इसमें, और छोटे से प्लांट को मैंने इतना घना बनाया है। सारे प्लांट जो आप दिख रहे हैं ये सेमी प्लांट है, और ये हमारा पीपल का प्लांट है, इसको भी काटती रहती हूँ मैं, छांटती रहती हूँ, क्योंकि पीपल के प्लांट का बोनसाई बहुत खूबसूरत लगता है। आपको जब दूर से आप पौधे को देखें तो लगता है कि हाँ बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जड़ इनकी बहुत मोटी हो जाती हैं। जब जड़ें मोटी हो जाती हैं और बाहर फैली होती हैं, उनसे हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। डीप कटिंग बिल्कुल ना करें, शॉर्ट प्रूमिंग करें, इससे हमारा पौधा खूबसूरत लगता है। और इस तरीके से ये कितना खूबसूरत हमारा ये जड़ों वाला, जो जड़ें दिखती हैं वही बोनसाई कहलाता है। जिसकी जड़ें ऊपर से दिखती हैं, जिसकी मोटी मोटी रूट्स हो जाती हैं, वो हमारा प्लांट बोनसाई बनता है। और इसी तरीके से हमारा वीडियो आज मैं दिखा रही हूँ, 300 हमारे वीडियो आज पूरे हो गए हैं। और इसको भी मैं जो हमारा ये पीपल का प्लांट है इसको भी हल्का हल्का सा काट दूँगी, और जितना काटूँगी उतनी इसकी ब्रांचेस बढ़ेंगी, उतनी हमारी रूट्स, तो देखिए कितनी बढ़िया सी रूट्स हैं बाहर को निकली हुई हैं। और इसमें भी घास जमाई, इसको घास हटा देंगे। और अभी खाद इसमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने उसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें पत्थर छोटे छोटे से वाइट कलर के डाल दिए थे, और पत्थरों से हमारी मिट्टी भी नहीं दिखती है और दूर से लगते हैं कि पत्थर से पड़े, बहुत सुंदर हमारा प्लांट का लुक लगता है। मैंने इसको काट काट के इतना घना बनाया है। छोटा सा प्लांट, छोटे से प्लांट लगा, उसके बाद काट काट के जब घने बनते हैं तब हमारा प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है बोनसाई के रूप में। और यही आज हमारा वीडियो है, और आशा है आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा।
पसंद आ रहा हो तो इसी तरीके से आप जब जो जो हमारी लीव्स हैं इनको शॉर्ट कर दूंगी, इनको हटा दूंगी। लीव जितनी हटाऊंगी उतनी बार बार हमारी ब्रांचें निकलेंगी और फिर हमारा पौधा खूबसूरत लगता है। जो बोनसाई मैं बनाती हूँ और सभी लोग बोनसाई अपने गार्डन में ज़रूर बनाएं, क्योंकि नया नया कुछ गार्डन में अलग अलग काम करना मुझे बहुत पसंद है। और फ्लावर तो सभी लगाते हैं कि ला के नर्सरी से लगा दिए और फ्लावर ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन गार्डन में अलग टाइप का काम करना मुझे बहुत पसंद आता है। जो इसमें थोड़ा नया सीखने को मिलता है। और बोनसाई बनाना मैंने अभी थोड़े दिन पहले शुरू किया है, जब मुझे लगे हमारे पौधे ये बोनसाई लायक बन गए हैं, क्योंकि ये देखिए रूट्स जब मोटी मोटी सी निकलती हैं तभी ये बहुत खूबसूरत हमारे, देखिए यहाँ से इस रूट से हमारे पौधे छोटे छोटे निकले, इनको बिल्कुल हटा दूँगी। और आशा है मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आए हो तो इसी तरीके से आप समय समय पर इनकी ग्रूमिंग करते रहें, कटिंग करते रहें और लीव्स को रिमूव करते रहें। ये दूध वाला प्लांट होता है तो बहुत खूबसूरती से हमारा बोनसाई बनता है। दूध वाले प्लांट बरसात में आप उनकी कटिंग लगा दें और कटिंग से हमारे पौधे बहुत खूबसूरत चलते हैं और बरसात में ही कटिंग लगाई जाती है। ये देखिए मैंने सारा इसको सारी लीव्स रिमूव कर दी हैं। इसी तरीके से हमारा पौधा इसकी जड़ें जो हैं बढ़ती जाएंगी और जब जड़ें बढ़ेंगी जितना जितने, देखिए मैंने इसको यहाँ से कटिंग किया था और लंबा हो गया तो जड़ें इसकी रूट्स हैं मोटी मोटी सी होने शुरू हो गई हैं। ऊपर तक मोटी मोटी रूट्स आएंगी और थोड़ा सा लंबा प्लांट हो जाएगा और रूट्स मोटी मोटी दिखेंगी। बहुत खूबसूरत हमारा ये बोनसाई वाला प्लांट लगेगा। और अपने हिसाब से मैं कोई भी प्लांट लगाती हूँ और कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं आपको लोग अच्छा सा अच्छा मैसेज दे रही हूँ जो आप लोग गार्डनिंग में आपके काम आएगा। और अब मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। इसी तरीके से आप खूबसूरत से प्लांट लगाएं और बोनसाई के लिए कैसे तैयार करें वो आज मैंने अपने वीडियो में बताया। और इसी तरीके से कटिंग की जाती है पौधों की और जब आपके पौधे कटते हैं तो उसके बाद में घने हो जाते हैं। घने होने कितना खूबसूरत हमारे पौधे हैं। और ये भी ये पत्तियाँ हैं जो मैं किसी बोरी में भर देती हूँ, उसके बाद में मिट्टी डाल के बाद में सड़ जाती हैं, हमारी खाद बन जाती है। कोई भी चीज़ मैं अपने गार्डन की बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ। हर चीज़ हर कूड़ा करकट जितना गार्डन का होता है मैं सब भरती रहती हूँ और इससे हमारी खाद भी बनती रहती है। तो इसी तरीके से आप पौधों को केयर करें, उसके बाद में हमारे बोनसाई बनके तैयार हो जाते हैं। और मेरा वीडियो मैं बंद करती हूँ। मेरा 300 का वीडियो है और आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि किस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स को बोनसाई बनाना शुरू किया है। थैंक यू। मेरा दोबारा से नमस्कार।